खबर बस्ती जिले में न्याय तहसीलदार घनश्याम शुक्ला की हुई गिरफ्तारी। महिला नायब तहसीलदार से जुड़ा मामला। भगोड़े 25,000 के इनामी अभियुक्त न्याय तहसीलदार घनश्याम शुक्ला की हुई गिरफ्तारी। कोतवाल विनय पाठक, एसओजी प्रभारी गजेंद्र प्रताप सिंह, स्वाट प्रभारी उमाशंकर त्रिपाठी की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। बस्ती जिले के कोतवाली थाने के रोडवेज के पास हुआ आरोपी नायब तहसीलदार घनश्याम शुक्ला की गिरफ्तारी। आरोपी नायब तहसीलदार की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई थी 6 टीमें। आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है तैयार, अब देखिए जांच प्रक्रिया चल रही है, जांच हो जाएगी। जो आरोप है वो सही है कि गलत है? आरोप बिल्कुल निराधार है सर। आरोप जांच चल रही है। एक ऑडियो भी उसमें आपका सामने आया, उस ऑडियो में आप बातचीत कर रहे हैं, किसी को धमकी दे रहे हैं। किसमें? ऑडियो एक है हमारे पास, अब मैं सुनूंगा तभी कुछ कर पाऊंगा। सुने कैसे कहा? आरोप गलत है आपका ये कहना? हाँ बिल्कुल आरोप गलत। तो क्यों आप पुलिस से भाग रहे थे इतने दिन से? नहीं, मैं पुलिस से भाग नहीं रहा था, मैं एसडीएम साहब को छुट्टी का अवकाश दिया था 2 हफ्ते का, क्योंकि थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं चल रहा था तो मैं गया। दिनांक 17/11/2023 को थाना कोतवाली बस्ती पर पंजीकृत अपराध संख्या 363/23 अंतर्गत धारा 452, 323, 54, 354, 307, 376, 511 IPC में वांछित अभियुक्त घनश्याम शुक्ला को आज रोडवेज तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है और इसमें उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है और इसके पश्चात इसमें शेष विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण करके आरोप पत्र न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।